पश्चिम बंगाल में ये क्या चल रहा है? हमें तो लग रहा है अब हमको पश्चिम बंगाल में हम रह ही नहीं सकते, हमको किसी अलग स्टेट में जाना पड़ेगा। अभी तो इलेक्शन होने में अभी तो कुछ दिन बाकी है, फिर उससे पहले ये सब खून रहा जानी। हाल ही में तो संदेशखाली में इतना बड़ा कांड हो गया, फिर भी आप टीएमसी या रूलिंग गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती? इतना खून रहा जाने, आज जब भी आपको बोला जाता है कि आपकी पार्टी टीएमसी लोगों ने खून कर रहा है और आप तुरंत बोल रहे हो नहीं हमने नहीं किया। तो आइए ब्रीफली जाने से पहले, नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो बुलेटिन पूर्णिमा, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कीप सपोर्टिंग मी। तो बंगाल में क्या हुआ देखो, वोट अभी तक हुआ नहीं, इलेक्शन उससे पहले जगह जगह में खून रहा जाने हो गया शुरू, एक दूसरे को कत्ल करने पर लगे हुए है। तू तो नहीं बैठा देगा रे मजदूरे, हर एक लोग ऐसे पहुंचा जो साथ करूरे। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, आप सुनो, आप लोग जो है ना आम आदमी हो, आप क्यों ऐसे एक दूसरे का मर्डर करते हो, इससे इसकी पार्टी की सुन के उसके पार्टी की सुन के। आप तो बीजेपी जो करते हैं उसको खून कर दिया, लेकिन आपको पता है आप किसके भरोसे पे खून किए हो? टीएमसी के भरोसे पे कि हम इस पार्टी की है हम तो उसको खून कर देते हैं क्योंकि हम अभी रनिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है। लेकिन आपको आपको नहीं पता जिस पार्टी की भरोसे पे आप खून कर रहे हो, जब आप खून करोगे ना तब आपको उस पार्टी भी स्वीकार नहीं करेगा, तब उस पार्टी भी बोलेगा ये हमारा है ही नहीं, ये पता नहीं कौन से पार्टी से आ गए, इसको ले जाओ ले जाओ, इसको जेल में पकड़ के ले जाओ। अरे अपना जिंदगी खराब कर रहे हो, जो पड़ोसी जिसके साथ आप रहोगे उसको खून करके क्या फायदा भाई? आप पार्टी करो, आप बीजेपी कर सकते हो, आप टीएमसी कर सकते हो, आपको जो मर्जी आप कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे का खून करना ये कहाँ के नियम है भाई? खून क्यों करते हो आप? और खून हो जाने के बाद जब भी प्रशासन को पूछा जाता है ये कैसे हुआ, ये होना नहीं चाहिए, या फिर किसी पार्टी की नेता को पूछा जा रहा है वो तो तुरंत बोल रहा है हमारा पार्टी का है ही नहीं, फिर आप किसकी भरोसे पे खून कर रहे हो पता नहीं? बीजेपी पार्टी को जो सपोर्ट कर रहा है उसको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, खून हो रहा है बोलो? एक दूसरे गरीब गरीब के ऊपर आप खून कर रहे हो? अरे आप आम आदमी पार्टी हो, आप किसके भरोसे पे खून करते हो? आप जब खून करते हो ना, आप जब पकड़े जाओगे आपको किसी गवर्नमेंट किसी टीएमसी ने आपको बचा नहीं पाएंगे। संदेशखाली में हुआ ना घटना, जो लोग सीबीआई ईडी के ऊपर पत्थर फेंका था उसका सर फोड़ दिया था, उसको आप पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं ना जेल में, फिर भी ये सब देख को आपको देख के आपको मतलब आप नहीं सुधरते हो ना? आपको क्या लगता है हम टीएमसी की आड़ में आके हम खून कर देंगे? अब देखो टीएमसी नेता बोल रहा है ये हमारा है ही नहीं, तो आप किसकी भरोसे पे खून कर रहे हो? अरे जब पकड़े जाओगे तब आपकी जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाएगी, आपकी जिंदगी आपकी लाइफ कटेगी जेल में। अरे केजरीवाल दिल्ली सरकार देखो, वो खुद सरकार है, खुद सीएम थे, फिर भी वो जेल चले गए। आप भी अगर पकड़े जाओगे ना आपको किसी ने बचा नहीं पाएंगे। अब किसी देखो, आपको किसी नेता सामने आके बोलता है आप इसको खून करो, इसको मारो पीटो, लेकिन आप खून करते हो, खून करके उसको सत्ता पे बिठा देते हो। वो तो राज करता है कुर्सी लेकर, कुर्सी पे बैठ के, लेकिन आप चले जाते हो जेल में। जब जब प्रूव हो जाता है आप ही नहीं खून किया है, आप चले जाते हो जेल में, क्योंकि आपको तब कौन बचाएगा? जिसके लिए आप लड़े थे तब वो खुद डिनाई करेगा कि ये हमारा पार्टी की है ही नहीं। किसके लिए खून करते हो आप? आप लोग कॉमन आदमी हो, आम आदमी हो आप लोग। आप लोगों का बस, आप चाहे बीजेपी कर लो, बीजेपी करके भी आपको ऐसा नहीं कि आपको पैसा मिल जाएगा, या फिर टीएमसी करके भी आपको पैसा मिल जाएगा। अरे आपको 500 हजार रुपया मिलता है भाता, आपको वो भाता लेके क्या करना है? आप युवा हो, आप यंग हो, आप कमाओ, रोजगार करो, आप धंधा करो। अब ऐसे पार्टी कब कब आपको 500 हजार रुपया देंगे? अब जब वोट रहेगा तब आपको पता नहीं क्या क्या देते हैं। वो लोग तो आपको पीछे से उकसाते हैं कि वैसे खून करो, ऐसे राहजनी करो, ताकि हम सत्ते पे आए। लेकिन सत्ते पे आने के बाद आपको दिखने को नहीं मिलता क्या? उनके घर मिलता है इतना हजारों हजारों करोड़ों की पैसा। आपके घर में कभी आए थे हजारों करोड़ की पैसा? आपको तो देते हैं 5 हजार, कुछ हजारों में आपको देंगे 10,000, 5,000, और इसमें आप आपका जिंदगी
दाव पे लगा देते हो खून करके। पश्चिम बंगाल में सच में ये चल क्या रहा है? और पता नहीं इलेक्शन आते आते और कितना लाशें गिरेगी। 2-3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन बंगाल की डीजीपी को तो चेंज कर ही रहे थे, अभी उन्होंने निर्णय लिया कि और 4 स्टेट में जो जिला शासक है उसको भी चेंज कर देगा। मतलब मानो इलेक्शन कमीशन भी चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, एक अच्छे तरीके से वोट हो जाए। फिर आप जब जेल चले जाओगे ना, क्या होगा? किसी को कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी जो रिश्तेदार है वो लोग तड़पेगा। फिर आप जेल में सड़ते रहोगे। और तुम जो लोग खून रहाजनी कर रहे हो, किसी की इशारे पे आके आपको तो पकड़ के ही लेंगे, पकड़े तो आप जाओगे, फिर जेल में सड़ते रहना। फिर किसी का कुछ नहीं होगा। वो लोग तो हजारों करोड़ों रुपया लेके चोरी करके पता नहीं कहीं देश से भी भाग के विदेश जाके सेटल हो जाएंगे। फिर आप क्या करोगे? सरते रहना सालकों के पीछे। ऐसे होगा फिर तुम्हारा हालात। ऐसे मत किया करो। कोई किसी भी पार्टी कर सकते हैं, टीएमसी भी करो, बीजेपी भी करो, कुछ भी मर्जी जो आपको चाहिए आप करो। लेकिन आप जो आपको बोलना है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ऐसे कैसे खून करना, किसी के घर जाके टूटना फूटना, ये सब करना सही नहीं है। अब देखो बंगाल में यही सब चल रहा है, तो मेरा तो प्रे है इलेक्शन कमीशन के पास कि आप लोग देखो, हो सके तो मतलब और भी सख्त और भी कड़ी कार्रवाई कीजिए, ताकि ऐसे करने से पहले उसको एक बार नहीं हजार बार सोचना पड़ता है कि हम अगर ऐसे करेंगे तो हम पकड़े तो जाएंगे, और पकड़ने के बाद हमारी जो हालात होगी ना, मतलब बहुत ही। ये इलेक्शन कमीशन को बस यही बोलूंगी कि आप बहुत जल्दी और भी सख्त कार्रवाई कीजिए, ताकि ऐसे ना हो, हमारी बंगाल को बचा लीजिए। और जो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हो शेयर करो, ताकि बहुत ज्यादा लोगों को पता चले कि बंगाल में ऐसे वायलेंस हो रहा है। अभी भी तो वोट बाकी है, ना जाने वोट आते आते क्या क्या ही होगा। फिर आप ही बचा सकते हो, बस एज मच एज यू कैन इस वीडियो को आप शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय श्री राम।